जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। 100 अंक हिंदी जो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों फैकल्टी के बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए हिंदी 100 अंक चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कविता की परख। कविता की परख मतलब कविता की पहचान, कविता की समझ नामक शीर्षक पर हम लोग विचार करें, चर्चा करें। तो कविता के परख शीर्षक के लेखक रामचंद्र शुक्ल है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने कविता के परख की रचना की है, तो आइए विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले जानें रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार। इनका जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। 5 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय दें, तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार थे। उनका जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु, मतलब रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु 1941 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबलि शुक्ला, माता का नाम सावित्री देवी था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से प्राप्त किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयाग में कायस्थ पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किया था। प्रयाग इंटर कॉलेज में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इन्हें बीच में ही शिक्षा को छोड़ना पड़ा। मतलब इन्होंने अधूरी शिक्षा ही प्राप्त किया था, लेकिन शिक्षा के प्रति रुचि और जागृति के आधार पर इन्होंने आगे की शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त किया था। इनकी प्रमुख रचना है मधुस्रोत, जो कविताओं का संग्रह है, भ्रमक गीत सार, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3। चिंतामणि के नाम से इन्होंने 3 पुस्तक लिखा, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद और शशांक इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है। तो आइए हम लोग कविता की परख शीर्षक निबंध के बारे में चर्चा करें। कविता की परख शीर्षक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना है। और कविता की परख शीर्षक निबंध को चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है। कविता की परख शीर्षक निबंध कहां से लिया गया है? तो चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसका संपादन 1983 ईस्वी में महान आलोचक नामवर सिंह ने किया था। आपको बता दें कि कविता की परख की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल रूप से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए किया था, लेकिन कविता की परख शीर्षक जो निबंध है वह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ
कि जहां 1938 में इसे 10वीं के कक्षा के छात्रों के लिए लिखा गया, आज भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग आज 11वीं में 100 अंक हिंदी के रूप में हम इसे पढ़ रहे हैं। कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता है क्या, तो वह स्वयं उत्तर देते हैं कि कविता कवि के विचारों की अभिव्यक्ति है। कविता कवि के लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति है, जिसका उद्देश्य होता है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना। कविता के भीतर प्रेम होता है, आनंद होता है, हास्य होता है, करुणा होता है, आश्चर्य। मतलब कविता में प्रेम, करुणा, हास्य, आनंद, आश्चर्य, अनेक प्रकार के भाव छिपे होते। और कवि कहते हैं कि जिस प्रकार, जिस कविता में न प्रेम का रस हो, न आनंद का रस हो, न हास्य का रस हो, न करुणा का रस हो, और न ही किसी प्रकार का आश्चर्य या विस्मय हो, वह कविता कभी नहीं हो सकती है, उसको कविता कहा नहीं जा सकता है। कविता को लिखने के लिए कभी अपने मन में एक योजना बनाते हैं, एक विचारधारा बनाते हैं। लिखने से पहले अपने मन में पहले उसे धारण करते हैं, और कवि कविता को लिखने से पहले उसकी जो रूपरेखा अपने मन में पहले बनाते हैं उसे कल्पना कहते हैं, क्योंकि बिना कल्पना के कविता की रचना संभव नहीं है। कविता को लिखने के लिए कल्पना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि कविता, एक ही कविता अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालने का काम करती है। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, किसी अद्भुत जगह या वस्तु को देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो किसी के दुख को देखकर हम करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। तो कवि जैसा कल्पना करेगा कविता में उसी प्रकार के विचारों का प्रभाव होगा। कविता के माध्यम से कवि का उद्देश्य क्या होता है, पाठक के मन में भाव उत्पन्न करना। कविता का उद्देश्य क्या है कि पाठक के मन में एक प्रकार का भाव पैदा करना कि उसमें हंसी, खुशी, उल्लास, आनंद की भावना आ रही है या नहीं। इसका उद्देश्य कवि के मन में सौंदर्य, पाठक के मन में सौंदर्य प्रफुल्ल और आहादित करना है। इसलिए तो कुछ कवियों ने अपने कविता में सभी प्रकार के रस का समावेश किया है। जैसे सूरदास की बात करते हैं, सूरदास जो कृष्ण भक्ति विचारधारा के महान संत थे, उन्होंने अपने सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। जैसे सूरदास का एक पद है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत। भगवान कृष्ण बचपन में कुछ खाते हैं, कुछ धरनी मतलब धरती पर गिराते हैं। छवि निरखत नंद रनिया, जिस छवि को नंद की रानी बड़ा सुंदर से बड़ा आश्चर्य तरीके से देख रही है। तो उसी तरह तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास अपने गीतावली में भगवान राम और सीता जब चित्रकूट में वास किए रहते हैं वनवास के दौरान, बड़ा ही मनोरम दृश्य के बारे में चर्चा करते हैं और लिखते हैं, सोहत श्याम जलदमद उधोरत, सोहत श्याम जलदमद उधोरत, धातु रंग रंग गमे श्रृंगणी। तो इस प्रकार से कविता में
सौंदर्य का, आनंद का, सभी प्रकार के भाव होता है। कभी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के उपमा भी देते हैं, उदाहरण भी देते हैं, तुलना भी करते हैं। जैसे किसी के सुंदर मुख का वर्णन चंद्रमा से, तो आंख का वर्णन मीन से, खंजन से, किसी के शौर्य का वर्णन सूर्य के प्रकाश से, तो किसी के पराक्रम का वर्णन सिंह से कर देते हैं ताकि उसमें और ज्यादा ओज हो जाए। मन में प्रश्न होगा तो कवि उपमा क्यों देते हैं, तो कवि अपने कविता में उपमा इसलिए देते हैं कि कविता की जो भावना को तीव्र करना होता है, पाठक के भावना को तीव्र करने के लिए, किसी वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कवि कविता में किसी न किसी उपमा को देते हैं। कवि लोग, मैंने चर्चा किया कि आंख के लिए उपमा कमल दल से, कभी मीन से, तो कभी खंजन से कर देते हैं, और ऐसा करके कभी कविता में पाठक के प्रति आनंद की अनुभूति को जगाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया कविता की परख, मतलब कविता की पहचान। कल की क्लास में हम लोग आंखों देखा गदर, विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर के द्वारा लिखा गया रचना है। आंखों देखा गदर मतलब 1857 के सिपाही विद्रोह और सिपाही विद्रोह में के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।